Brian. Say hi, Brian, hey. To my viewers. Hey, how's it going? That's Brian. He's from USA. A very nice guy. Okay. So we are almost नेचर में आपका वेलकम है, हर टूरिस्ट का वेलकम है. बस आप ये है कि नेचर को नेचर में अपना इंजॉय करना अपने अगर फ़र्ज समझते हैं, अपना फ़र्ज ये भी समझो कि अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाए या गंदगी ना. कॉमन लेपर्ड दिखते हैं यहाँ पे, स्नो लेपर्ड ऊपर जो बर्फ़ के पहाड़े वहाँ पे शायद होते होंगे, तो इसलिए इनके साथ देखिए. इनका तो सिक्योरिटी का माध्यम है इनके पास. और मैं जब सुबह आ रहा था ना, मुझे लग रहा था यार थोड़ा सा तो डाउट. चलो ठीक है, बाकी भगवान की दया से कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पे. जब मैं फतेह करूंगा अपना 6 किलोमीटर का वो ताज, तो कैसी होगी मेरी एक्साइटमेंट, या एक्साइटमेंट दिखाने के लिए बॉडी में एनर्जी होगी या नहीं होगी, देखते रहिए आप लोग. यार यहाँ पे ना लेपर्ड का भी खतरा मुझे कम ही लग रहा है, क्योंकि कोई शिकार ही नहीं है उसका. कोई हिरन नहीं दिख रहा मुझे, कोई पहाड़ी बकरी नहीं दिखी अभी तक. अब यार लेपर्ड को कुकिंग तो आती नहीं है, जो यहाँ कैंपिंग के लिए रहेगा भाई वो वहीं रहेगा जहाँ उसका खाना होगा. हम लोग तो अपना खाना ले आते हैं, टेंट ले आते हैं भाई. लेपर्ड को चाहिए अपना खाना, ठीक है ना, तो जहाँ खाना वहाँ वो, बाकी ऊपर तो वो चढ़ ही जाता है. चांस कम लग रहे हैं मुझे लेपर्ड के, बट भाई ये हिमालयन रेंज है, भालू होते हैं यहाँ पे जो कि बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना भाई. बाकी नज़ारे देखो यार एक बार भाई. बीच बीच में ना थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिख रही है ऊपर, वो देखो यहाँ भी और यहाँ भी, तो मतलब देख रहे हो. बाकी जनवरी में तो फुल स्नो होती है भाई यहाँ पे फुल. चलो भाई चलो, चलते हैं चलते हैं चलते हैं भाई. यहाँ से चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, देखो बहुत ध्यान से चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैर फिसला यहाँ से लुढ़के तो डुक 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 वापस धर्मशाला, फिर से ऊपर चढ़ो क्या फ़ायदा भाई. थोड़ा ध्यान से चल लेंगे यार, वापस धर्मशाला नहीं जाना यार, बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक आने में. वो मुझे पता है आराम से पहुँच जाएंगे हम धर्मशाला लुढ़कते पिटकते. चलो भाई चलते हैं, खतरा कितना ज़्यादा है यहाँ पर. दुर्घटना रुक क्षेत्र, कृपया इस क्षेत्र से गुजरते समय सावधानी व संयम बरतें, यह अति संवेदनशील रास्ता है. ओह गॉड, लग ही रहा है भाई. ओ भाई साहब, कल जो मैंने धर्मकोट से बागसू ट्रैक कर लिया था ना एक सुबह मॉर्निंग वॉक के तौर पे, अच्छा रहा यार, मुझे तो प्रैक्टिस हो गई थी कल ही, तो उतना कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा, बिकॉज कल मैं प्रैक्टिस कर चुका था तो मुझे आइडिया था कैसा होने वाला है ट्रैक. बाकी भाई इतनी देर से चल रहे हैं, गोप्रो भी भुजने वाला है, तो अगर बंद हो गया तो बाकी वीडियो फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगा भाई, मैनेज करना प्लीज़. भाई यार ये रास्ता तो नेक्स्ट लेवल ख़तरनाक है यार, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, फिसलना नहीं है भाई, फिसलना नहीं. वो भाई साहब देख के, ये रास्ता देख के भाई साहब, यो भाई बहुत खतरनाक रास्ता है. ओ भाई मेरे बाप, ये है जी ट्री ऑन द ट्रैक, बोलते हैं बिगिनर्स ट्रैक, बच्चा बोल के आसमान तक चढ़ाई करवा दी यार भाई, कोई आसान नहीं है ये भी. ये देखो ऐसे ऊपर जाना है भाई. आज से मैं अपने आप को प्रोफेशनल हाइकर बोलने वाला हूँ यार. हाँ कोई आसान नहीं है भाई, किधर जाऊं, इधर वाओ व्हाट अ व्यू.
तो भाई साहब गोप्रो ने तो बोल दिया, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। जैसे जैसे आप हाइट पे आते हो ना तो आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है जल्दी से। अभी देखिए बर्फ भी है यहाँ पे पहाड़ों पे ना, तो गोप्रो ने तो बोल दिया भाई अब ये फ़ोन ही अपना साथी है। चलिए देखिए बर्फ़ दिख रही है मुझे यहाँ से, अभी थोड़ी देर में आपको भी दिखाता हूँ। वही देख लो बर्फ़ दिखने लगी है पहाड़ों पे, इतना ऊपर तो आ गए हैं कि बर्फ़ मिल जाए। ये हैं जी बूटिया डॉग, पहाड़ी कुत्ते देखो। और ये हैं जी पहाड़ों के ट्रक। तो भाई सब देखो हमारी मैगी कोका कोला सब ऐसे ऊपर जाता है, आसान नहीं है भाई अभी। और ये लोग रोज़ ऐसी करते हैं, इनके अपने डॉग्स भी हैं। ये देखो जी आपका खाने पीने का सामान, जब आप ट्रिम टॉप पे मैगी खाते हो तो उसके पीछे मेहनत होती है, देख रहे हो। तो भाई 10-20 या 50 रुपए भी अगर ये ज़्यादा दें, ज़्यादा आपसे मांगे तो भाई दे दो, मेहनत देखो यार। ठीक है आपका हो गया, गधों को ले जा रहे भाई, वो खुद भी साथ में ट्रैक करके आ रहे हैं, खच्चर खुद नहीं पहुँच पाएगा। ओ यार ओ भाई भाई वो जो टॉप है ना वो एट्रियम टॉप, ये देखो ओ भाई ये देखो ये जो टावर दिख रहा है ना यहाँ तक जाना है। चलो भाई ओखली में सर डाल ही दिया, मुसल से क्या डरना, अब यहाँ तक आए तो वहाँ तक तो जाना ही है। जय सिया राम। भाई देखो जो लोग ऊपर पहुँच गए हैं वो टारजन बनने की कोशिश कर रहे हैं, अजीब सी आवाज़ें निकाल के चीख रहे हैं, ये अपने पहाड़ पे पहुँचने का जश्न मना रहे हैं। ओके हो सकता है ऊपर चढ़ के ही करना पड़ता हो, भाई मैं नहीं करूँगा, मैं वो बहुत गंदा करता हूँ यार। ओ भाई साहब यहाँ पे भी एक छोटा सा चाय वाय का स्पॉट है भाई, शॉप आके यार। अब मैं एक ब्रेक लेके कुछ नींबू पानी, जलजीरा, कोल्ड ड्रिंक ये कुछ ले लेता हूँ यार। ओ भाई साहब यहाँ पे भी एक चरम झपड़। ओ ईला ये देखो, ईला हमसे पहले पहुँच गई और ईला ने शॉप भी खोल ली। वाओ तो ये भैया हमें अभी नीचे मिले थे, ये इनकी शॉप है। अभी हम कहाँ, मिड पॉइंट में, अभी भी थोड़ा सा ऊपर है ना। ओके चलिए भाई कुछ खा, तो भाई अभी ये जलजीरा ले लिया है, ये जलजीरा पी के थोड़ा सा आराम करते हैं फिर ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे, बिकॉज़ आगे चढ़ाई और भी स्टीप है। तो देखिए जो बात हम कर रहे थे, मैं आपसे बोल रहा था ना यहाँ पर लेपर्ड हैं और हिमालयन बेयर हैं, तो अभी जिनकी शॉप है मैं इनसे बात कर रहा था, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लेपर्ड हैं और भालू भी हैं, तभी ये ईला को अपने साथ रखते हैं सेफ्टी के लिए। देख रहे हो आप, इन्होंने देखे भी हैं बहुत बार। आपने कितनी बार देखा है लेपर्ड या भालू? जनवरी में दिखते हैं। स्नो लेपर्ड होते हैं क्या? कॉमन लेपर्ड दिखते हैं भाई, कॉमन लेपर्ड दिखते हैं यहाँ पे, स्नो लेपर्ड ऊपर जो बर्फ़ के पहाड़ है वहाँ पे शायद होते होंगे, तो इसलिए इनके साथ देखिए, इनका तो सिक्योरिटी का माध्यम है इनके पास। और मैं जब सुबह आ रहा था ना मुझे लग रहा था यार थोड़ा सा तो डाउट। चलो ठीक है, बाकी भगवान की दया से कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पे, तो कोई अटैक नहीं हुआ, बट लोगों ने बहुत देखे हैं, ये भी बता रहे हैं बहुत दिखे हैं, जो लोकल लोग हैं उनको बहुत दिखते हैं। हाँ ये देखो एक ये आ गया छोटा सा लेपर्ड। हाँ भाई ओ हीरो, ईला बहुत कूल है, एकदम शांति के साथ बैठी है। तो देखिए मैंने अभी जैसा आपको पहले भी बोला था, जब मैंने बनाना खाया मैंने बनाने के छिलका जो है अपनी जो मैं साथ में एक पॉली बैग लाया उसमें डाल लिया। तो आपका नाम क्या है? प्रवीण। तो ये प्रवीण जी हैं जो ईला के ओनर हैं, इनकी शॉप भी है यहाँ पे मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर। तो देखिए प्रवीण जी की भी यही रिक्वेस्ट है टूरिस्ट से कि प्लीज़ अगर आप यहाँ पे आते हो तो यार कूड़ा मत फेंको, है ना, अपने साथ लेके जाओ। और क्या क्या
परेशानी होती है आपको? बस नेचर में आपका वेलकम है, हर टूरिस्ट का वेलकम है। बस आप ये है कि नेचर को, नेचर में अपना इंजॉय करना अपने अगर फ़र्ज़ समझते, अपना फ़र्ज़ ये भी समझो कि अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाए या गंदगी ना फैलाएं। जगह जगह शॉप में डस्टबिन लगे हुए हैं, वहाँ पे अपना कूड़ा डाल के जाएं। और मैं, हम ये नहीं कहते कि रास्ते में जो पड़ा आप वो उठाएं, आप एटलीस्ट अपना ना फेंके, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी हम लोग बैठे हुए जो रास्ते में फेंका होता है वो तो हम उठाते ही हैं, बस आप लोग अपना कूड़ा ना फेंके। ठीक है भाई, देखो यार, जो है वो ना, राइट यार, बिल्कुल। तो देखो, मोदी जी का भी स्वच्छ भारत अभियान है, तो देखिए वो भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं, बीइंग अ पीएम वो सफाई अभियान में लगे रहते हैं यार। हमें तो एटलीस्ट, देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, आप मत उठाओ दूसरों का, लेकिन अपना तो मत फैलाओ। तो देखो मैं अपनी थैली साथ लाऊं भाई, जितना भी मेरे पास कूड़ा होगा मैं सारा वापस लेके जाऊंगा, और नीचे कोई भी डस्टबिन है, हर जगह डस्टबिन है, आप उसमें फेंकिए, क्योंकि प्लास्टिक इतनी जल्दी नहीं जाता भाई, प्लास्टिक वहीं रह जाता है। तो देखिए, इन जंगलों को, इन नेचर को बचाना है तो प्लीज़ इतना तो हम कर सकते हैं। तो भाई प्रवीण जी की शॉप है यहाँ पे, तो बता रहे थे भाई अभी जनवरी में लेपर्ड देखा उन्होंने, जो नॉर्मल लेपर्ड होते हैं अपने, और बहुत सारे बेर भी हैं यहाँ पे, भालू, मुझे लग ही रहा है जंगल एरिया। मुझे लगा जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वहाँ पे शायद स्नो लेपर्ड होंगे, बट उन्होंने भी कंफर्म किया उन्होंने जनवरी में लेपर्ड देखा है, इसलिए वो इला को साथ रखते हैं, बिकॉज वाइल्ड लाइफ का खतरा है यहाँ पर। बाकी भाई व्यू एक नंबर का यार, एक नंबर का व्यू। ओह गॉड, भाई साहब सोचो यार, यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती होगी तो क्या कश्मीर लगता होगा यार, ये जन्नत कैसे नज़ारे, वाह। क्या हो गया भाई तेरे को, क्या हो गया? आओ, किधर आऊँ, कौआ बुला रहा भाई, आओ आओ भाई साहब, वो देखो ये, तो भाई यहाँ पे यार एकदम स्टीप हो गया चढ़ाई, और यहाँ का माहौल भी बदल गया, ये लग रहा है भाई ट्रैकिंग का माहौल। आपका नाम है डिंपू? तो मैं आगे आगे बुला रहा देखिए जी, ये डिंपू जी हैं। अच्छा, वहाँ से ना, हाँ बर्फ स्टार्ट हो रहा है, हाँ वो सीधा रास्ता ऊपर, बट लेकिन फिर जल्दी भी तो पहुँचाएगा। हाँ जल्दी तो पहुँचाएगा, एफर्ट करना पड़ेगा, 15 मिनट का है। अच्छा, उसके बाद 15 मिनट बाद ऊपर, वाह वहाँ का व्यू देखोगे तो भूल जाओगे सब कुछ। हाँ सब यही कह रहे वही डिंपू जी हैं बता रहे हैं, वो जो बर्फ स्टार्ट है ना वहाँ से बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है 20 मिनट की, लेकिन उसके बाद है जन्नत, जिस जन्नत की तलाश में हम आए हैं, ट्रियुंड टॉप। यार मैं थोड़ी देर में बर्फ़ को हाथ लगा पाऊँगा भाई, ये देख रहे हो भाई साहब, यहाँ लेपर्ड रहते होंगे, ये जो गुफाएं हैं, चलें गुफा के अंदर। भाई साहब, तो भाइयों देखो पहुंच गए भाई बर्फ के पास फाइनली। ओह देख लो भाई, ये आ गई जी साड़ी बर्फ। अब यहाँ से भाई एकदम खड़ी चढ़ाई है और फिर ट्रिम ड्रॉप। क्या व्यू है भाई, वाओ। व्हाट्स योर नेम? ब्रायन। से हाय ब्रायन टू माय व्यूअर्स। हे, दैट्स ब्रायन, ही इज फ्रॉम यूएसए, अ वेरी नाइस गाय। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर, आई थिंक 10-15 मिनट्स। तो हमारे साथ गाइड साहब हैं एक, जो कि ब्रायन के साथ हैं, सो ही सेइंग अनदर 15 मिनट्स। भाई सुबह से चल रहे हैं, मज़ा आ गया है सुन के, 15 मिनट हो रहे हैं, बढ़िया है। हो
सो भाई अभी ट्रैक करते करते ना पॉलिटिक्स की बातें शुरू कर दी यार हमने यूएसए की. दिस गाइस फ्रॉम यूएस. Beyonce was also there, yeah. Beyonce. Yeah. So everybody are there. That was probably before he went. Yeah. First time. did a tour there a week ago and just passed through on my way back up here, Rudak War. Okay. Excited. Yeah. So do you guys really have aliens at Area 51, Nevada? No. No. I went to the museum near there once. It was a funny museum. Okay. They pretended there were. Yeah. I don't think so. Yeah, I don't think so. So what about those UFOs and all? Fake videos or what? I don't know. Atmospheric phenomenon, military aircraft, I don't know. Maybe, yes. I think so. Our Air Force has like a tracking program for that to like figure out like what is this stuff. Maybe they have nuclear base there. That is why they want people to stay away. Right. Yeah. Pentagon. It's Area 51 is in Nevada, right? Nevada State. Yes. Yeah. Oh, that's right. The museum I went to was in New Mexico. New Mexico. Yeah. Where they say aliens landed. It's a real military base, though. It's close to Arizona. I'm sorry? It's close to Arizona. No. No. It's far, I guess. So भाई मज़ा आ गया. ये यूएसए से हैं, ये भी ट्रैक कर रहे हैं. मज़ा आ गया भाई. अब लोग हैं मेरे साथ में तो थोड़ा ठीक है यार, नहीं तो लेपर्ड और भालू तो है यहाँ पे. मज़ा आ गया. Now they are. Is it true? Yeah. What is that? I don't. ये देख लो भाई, बर्फ ही बर्फ पड़ी है यहाँ. बर्फ के ऊपर पत्ते आ गए. भाई साहब घोड़े खुल चुके हैं, अभी बस स्टीप चढ़ाई है थोड़ी सी और तब हम होंगे ट्री ऑन टॉप पर. ओह गॉड, भाई 3 से 4 घंटे अगर आप ऐसे पत्थरों पे ट्रैक कर सकते हो वो भी ऊपर की तरफ, तो आप आना भाई. भाई देख लो बर्फ पिघली पड़ी है पूरी, थोड़ा सा पैर संभाल के रखना पड़ेगा, अगर स्लिप होए तो निच्चू. ये देख लो भाई पहाड़ों की बर्फ. ये बर्फ के पहाड़ हमें नीचे से दिखते हैं. अपन ही पीछे रह गए क्योंकि अपन रुक रुक के बना रहे वीडियो. भाई देखो ये मशरूम से उग रहे हैं भाई पहाड़ी. ये देखो पेड़ पे क्या चीज है. कहाँ है? इसके अंदर है. कौन सा बर्ड है? मोनाल. किसके इसके अंदर है? इसके अंदर है. बड़ा बर्ड है क्या? ओ भाई इसके अंदर एक बर्ड है
दो से तीन किलो का मुनाल। भाई ये बर्फ़ खा रहा है, इसको पसंद है बर्फ़ का गोला। देखो भाई साहब बर्फ़ खाने वाला कुत्ता, कुत्ता मत बोलो भाई, देख रहा है। भाई काय का बिगनर यार, ये तो भाई प्रोफेशनल ट्रैक है यार ट्यून। भाई साहब वो ब्रायन यूएसए से है, पूरा आर्मी जैसा लग रहा है उसका बिल्डअप। फिर भी भाई साहब हालत पतली है ब्रायन की भी। बस पहुंच ही गए। वो देखो ब्रायन पसीना पसीना होता हुआ, वो देखो चलो भाई अब तो हाथी निकल गया, बस पूछ ही रह गई। अब तो पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच गया। वो देखो ऊपर बर्फ के पहाड़ दिखते हुए। ओ वाह भाई, वो देखो वो टावर हमें नीचे दिख रहा था। और ये देखो भाई सब इसके लिए आए हैं। ओए होए 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 होए, ओ भाई साहब भाई ये देखो। तीन घंटे लगे यार ऊपर आने में, बट मेहनत सफल हो गई यार। पीछे के एक बार नज़ारे देख लो, वाह। ये नज़ारे अच्छे तो भाई सब पहाड़ों पे यार मैगी ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये देखो भाई हमारी मैगी पहाड़ों वाली। तो भाई हम अपनी मैगी खा लेते हैं, मैगी को एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। थोड़ा रिलैक्स कर लूँ यार, पहाड़ चढ़ाए मैंने आज। मज़ा आ गया भाई ये ट्रेन ट्रैक करके, 3.5 घंटे ज़रूर लगे बट मज़ा आ गया।
ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने यहाँ पे पेंटिंग बना रखी है यार, ये ओरिजिनल लग ही नहीं रहा है मुझे, ये रियल नहीं लग रहा है मुझे। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर। तो यार आप लोग भी अगर प्लान करो तो कर लो, ग्रुप में आना, मैं अकेला आ गया था। तो आप लोग कोशिश करना ग्रुप में आओ, बिकॉज वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी एक्टिव है यहाँ पे, लेपर्ड्स हैं और हिमालयन बेयर हैं, ब्लैक बेयर जो होते हैं, हिमालयन बेयर काफ़ी खतरनाक होते हैं अभी भाई। यहाँ पे जो नज़ारे मिल रहे हैं ना आके, मज़ा आ गया यार। तो कुदरत के बेहतरीन नज़ारे हैं भाई ट्रियून ट्रैक पे। आ जाओ यार लाइफ में एक बार ज़रूर करना ये ट्रैक, 3.5 घंटे ठीक है कर सकते हो, ग्रुप में आओ, फिर से बोल रहा हूँ। बट ऐसा लग रहा है ना जैसे भगवान ने पेंटिंग बना रखी है, मेरे को ओरिजिनल लग ही नहीं रहा यार ये। ब्यूटीफुल भाई, यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं है, देखो भाई बिल्कुल यूरोप जैसे नज़ारे अपने इंडिया में भी हैं। तो यहाँ आ जाओ यार, पैसे भी बचेंगे, अपने इंडिया में भी रहोगे, मज़ेदार यार, बिल्कुल एल्प्स जैसे, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। मानत नहीं बिनती करे ते, मैं तो हार गई रे, बिनती करे ते, मैं तो हार गई रे, भी आगो मानत नहीं रे। ऊपर एक शॉप थी मैगी की, मैगी खाई और चाय पी, मैगी बहुत ही टेस्टी थी। तो अभी हम लोग हैं 2875 मीटर ऊपर सी लेवल से, इतनी हाइट पर हैं भाई, मज़ा आ गया यहाँ के, देखो एक बार नज़ारे। तो यार देखो इतनी मेहनत से ऊपर पहुँच गए। तो भाई वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, तो ऐसे ही शानदार वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो जी ये था हमारा ट्रियून ट्रैक का सफ़र, 3 से 3.5 घंटे लगे ऊपर जाने में और 1 से 1.5 घंटे में मैं नीचे आ गया, सो नीचे उतरना आसान है। सो ऑल टुगेदर इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया यार। मेरे एडवेंचर के सफ़र में एक एडवेंचर और जुड़ गया, मैंने इससे पहले कभी ट्रैकिंग नहीं की थी इतनी बड़ी, जो कि एक फेमस ट्रैक है ट्रियून ट्रैक। सो ट्रियून ट्रैक कम्प्लीट कर लिया भाई हमने, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और यहाँ तक देखा तो लाइक भी करके जाइएगा। बाय बाय। दुनिया के दिलवालों को दिलवाले का सलाम, लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम, बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरव, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला कारा।